मेरे प्यारे हो, ये कुसंग जीव को बिगाड़ देता। आपके जितने भी विचार दूषित हुए ना, आज तक या इन विचारों को लेके पैदा नहीं हुए थे। फलाना मिला था मेरे को, वो ऐसे कह रहा था, उसने कहा तेरे विचार गलत हो गए। इट मींस कहां से हो गए, तुम्हें संग गलत मिल गया, कुसंग मिल गया। और यहां जो लोग कथा सुनने आए हैं, बोले फलाना मिला था पिछले साल, उसने कहा था कि ठाकुर जी की कथा में जरूर जाना चाहिए, बड़ा मन लगता है, बस पिछले साल से प्रण कर लिया, इन डेटों को कहीं जाना नहीं है, मुंबई में बस ठाकुर जी की कथा सुननी है, बस वो सत्संग मिल गया। और पिछले साल ही आपने प्रण कर लिया कि अगले साल भी हम कथा छोड़ेंगे नहीं, हां या ना। एक ने तुम्हें पापी बना दिया और एक ने तुम्हें धर्मात्मा बना दिया। ये तो रियल तेरी लाइफ का ही प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ये मैं कहीं पड़ोस में से भागवत में पढ़ के थोड़ी आया हूं, ये तो तेरी जिंदगी का असर है जो तुझे बता रहा हूं। एक तेरे घर में पापी है जो कहता है संतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और एक घर में तू ही है जो कहता है एकाध कोई गलत हुआ तो क्या, धर्म तो हमारा सत्य है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छा है, सत्य पर चलने की राह बताता है। जो लोग बहानेबाज है ना, ड्रामेबाज, नौटंकी कहीं की, उनको बताता हूं, अगर तुम मेरे धर्म में बहाना ढूंढते हो ना कि अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम किसी महात्मा से मत मिलो, जो भागवत हो तो सुनो और चुपचाप घर जाओ। भागवत में तो कुछ नहीं हो रहा, ये सुन ले, घर जा। न समिति वालों से मिलियो, न कमेटी वालों से मिलियो, न गुरुजी से मिलियो, चुपचाप घर जा। ये अब कह कहां गया तेरा धर्म, सही मायने बताऊं, ये पापी है, इसके इतने पाप हैं, इतने पाप हैं कि अच्छा कभी कर ही नहीं सकता, अच्छा न करना पड़े इसके लिए बहाने बनाता है। वरना टीवी चैनल तो इन लोगों ने भी देखे होंगे जो कथा पंडाल में बैठे हैं, ये क्यों आ गए यहां, ये क्यों आए भाई, ये आंखों से नहीं देखते, कानों से देखते हैं, ये कानों से नहीं सुनते, जुबान से सुनते हैं, ये आ गए, तू नहीं आया क्यों, बोले तू बड़ा पापी है इसलिए नहीं आया। भाई इनके छोटे छोटे थे तो कभी सुन सुना के खत्म हो गई बात, आ गए। मेरे प्यारे हो, धर्म के लिए अगर अपने प्राण देने पड़े तो देना, रुकना मत, क्योंकि तेरे एक प्राण देने से तमाम आत्माएं पवित्र हो सकती है, आने वाले टाइम में तमाम आत्माएं पवित्र हो सकती है, इसलिए घबराना मत, डरना मत। कौरवों की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, विजय पांडवों की होगी, कल बताऊंगा। और इसलिए पांडवों के पदचिन्हों पर चलने के लिए तुम्हें भागवत का अनुकरण श्रवण करना ही पड़ेगा। तो मेरे बंधु बांधव, धुंधकारी पापी, इसकी कथा आपने कई बार सुनी है, मरने के बाद में ये प्रेत बन गया, और जब प्रेत बना तो श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी महाराज ने इनको श्रवण कराई, और जब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा इनको श्रवण कराई तो सातवें दिन आकाश से विमान आया, और जब आकाश से विमान आया तो अकेले धुंधकारी उसमें जाने को तैयार है, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, कथा तो सबने सुनी है, विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों। बोले देखो भाई, कथा सबने सुनी है लेकिन श्रवण करने में भेद है, किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना, किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना, भागवत कल्प वृक्ष है, जो जीव जिस भावना के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है उस जीव की वही भावना पूर्ण होती है। और धुंधकारी ने अपनी मोक्ष की इच्छा लेकर श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी को मोक्ष ही प्राप्त होगा, इसलिए इनका कल्याण होगा, क्योंकि इन्होंने कोई और भावना नहीं रखी, और कोई इच्छा नहीं रखी। हे मेरे प्यारे, धुंधकारी जैसे पापिष्ट व्यक्ति का कल्याण हो गया।
हमारा भी कल्याण होगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400 मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscity.com www.shantisevadham.in ईमेल info@vsscity.com ट्विटर dn/thakur/g फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।